गौर से देखिए गुस्से से भरे फुफकार मारते हुए इस जहरीले नाग को, जो अपनी नागिन से बिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों से फुफकार मारकर पूरे घर में तांडव मचाया था। गुस्साए नाग की दहशत का आलम यह था कि फोटोग्राफर सुरेश का परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी पूरी रात जगराता करते रहे। आपको बता दें कि यह वही नाग है जिसकी जोड़ीदार नागिन ने बुधवार की शाम मोहल्लालगंज के राजाखेड़ा गांव में रहने वाले फोटोग्राफर सुरेश की पत्नी माधुरी को डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। गुरुवार को संतोष नामक सपेरा इस नागिन को पकड़ ले गया था। नागिन से बिछड़ने के बाद काफ़ी गुस्से में था नाग। गुस्साए नाग को पकड़वाने के लिए शुक्रवार को दो सपेरा राजाखेड़ा गांव बुलाए गए, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद सपेरा उस नाग को काबू में नहीं कर पाए और बौरन लौट गए। वहीं मऊ गांव के रहने वाले समाजसेवी दल्लू सिंह को जब इस बात की जानकारी हुई तो दल्लू सिंह ने शनिवार की सुबह दो सपेरों को राजाखेड़ा गांव बुलाया और उनसे नाग को निकलवाने का अनुरोध किया। सपेरों ने शनिवार सुबह बीन बजाना शुरू की तो बीन की आवाज़ सुनकर फोटोग्राफर सुरेश के घर पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। तभी एक टोकरी में छिपे बैठे नाग ने फुफकार मारते हुए अपना सिर बाहर निकाला। यह देख सपेरों की आंखें चमक उठी। सपेरे ने डंडे के सहारे टोकरी को खुले स्थान पर बाहर ले गए तो गुस्साए नाग फुफकार मारते हुए टोकरी से बाहर आकर जमीन से 3 फुट की ऊंचाई पर खड़ा होकर जोर जोर से फुफकार लगाने लगा। तभी सपेरे ने झट से सांप को डंडे के सहारे पकड़ लिया और उसी टोकरी में बंद कर दिया। तब कहीं जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं पीपीएन न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए मोहल्लालगंज के तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा ने मृतक के परिजनों को सरकारी आर्थिक सहायता दिलाने के लिए हलके के लेखपाल अरक्षित पांडे को मौके पर भेजकर आख्या तलब की, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीपीएन न्यूज से सरोज यादव की रिपोर्ट। हमारे घर पे, मैं मोहल्लालगंज में था और हमारी पत्नी जो है खाना बना रही थी। क्या नाम है पत्नी का? माधुरी। क्या हुआ फिर? तो उसमें जो है खाना बना रही थी, वही 5:30 बजे या 6 बजे की बात है, तो उसने नागिन ने डस लिया। उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार काटा उसने। हमारी हम जब वहाँ सूचना पहुँची मोबाइल के द्वारा, तो मैं आया दौड़ के 15 मिनट में। तो मंदिर पे लोग हमारे गांव में राजाखेड़े में झाड़ रहे थे, उतर गई थी। फिर उसके बाद 1 घंटे में उतर गई थी, झाड़ने के बाद सब लोगों ने झाड़ा। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर दोबारा ले गए नहलाने के लिए। बम्बे बुलाए, नहलाया, फिर ले गए। उसके बाद जो है आवाज़ बैठने लगी, उसके बाद भी पूरी आवाज़ चली गई। बिल्कुल आसास चल रही थी और बोल भी रही थी हल्का फुल्का, मगर तुतलाक बोल रही थी। तो हमने घबराए हुए हम CSC के लिए प्रस्थान करे वहाँ मोहल्लालगंज सरकार था, मगर सांस टूट गई।